वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी अरब ने $2 अरब स्टेट बैंक में जमा करा दिए हैं, हम कब तक कर्जे लेते रहेंगे। हमसाया मुल्क ने 1991 में आखिरी IMF प्रोग्राम किया, एक दौर में हम हमसाया मुल्क से स्टील में बहुत आगे थे, रोने धोने से अब काम नहीं चलेगा, बैन डालते रहेंगे तो तबाही हमारा मुकद्दर होगी, माजी में झांकने की बजाय जानदार कौम की तरह आगे बढ़ना होगा। मुल्क का सबसे बड़ा चैलेंज मुआशी खुशहाली है, 90 की दहाई में पाकिस्तान बड़ा मुस्तहकम था, बाख्तियार खवातीन प्रोग्राम में शहदा की फैमिलीज के लिए फंड्स रखा गया है, कल IMF बोर्ड बैठेगा, दुआ करें मुआहिदा हो जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अगर जंजीरें तोड़नी हैं तो तमाम वसाइल को बरवेकार लाना होगा। सऊदी अरेबिया ने $2 अरब पाकिस्तान के स्टेट बैंक के खजाने में जमा कराया, जब मुझे पता चला तो मैंने सऊदी अरेबिया का शुक्रिया अदा किया दिल की अमीक गहराइयों से, और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, और एक मरतबा फिर जब पाकिस्तान को मुश्किलात का मुकाबला है तो उन्होंने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। लेकिन ये कर्जे हम कब तक लेते रहेंगे और कब तक कर्जों की जिंदगी हम बसर करते रहेंगे, यह है वो चुपता हुआ सवाल जो मुझे अपने आप से और फिर आप सबसे करना है।